लाला हुकुमचंद जैन का शहीदी दिवस गोहाना में विनोद जैन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय पर मनाया गया। विनोद जैन ने बताया कि लाला हुकुमचंद जैन ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया और 19 जनवरी 1858 को उनके घर के सामने ही उनके भतीजे को फांसी पर चढ़ा दिया। लाला हुकुमचंद जैन का जन्म 1816 में हरियाणा के हासी में हुआ। उन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लिया और अंग्रेजों द्वारा उनके ऊपर जुल्म करने पर भी वह उनके सामने नहीं झुके। इस मौके पर रामकुमार मित्तल, राजू विरमानी, अरुण बड़ोक, राजेंद्र सूरा, अजीत जैन, अनुज बंसल, हिमांशु जैन, कमल कुमार, मनमोहन लाल, रामकरण सैनी, अजय सैनी, रामनिवास गोयल, नरेश चानना, मनमोहन जिंदल, रजत सिंगला आदि मौजूद रहे। जनता पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में लाला हुकुमचंद जैन जी जो आशीषे हुए हैं, 1816 में उनका जन्म हुआ था लाला दूलीचंद जी के घर पे, और वो फारसी और अंग्रेजी में बहुत अच्छे विद्वान थे और कानूनगो की उनको उपाधि दी गई थी। 1857 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का विगुल बजाया, जिससे अंग्रेजों ने उनके विरुद्ध FIR लॉज करवाई, उनको जेल डाला और एक महीने के अंदर ही उनके घर के सामने 19 जनवरी 1858 को उनके घर के सामने उनको और उनके भतीजे फकीरचंद जैन को फांसी पर लटका दिया गया। आज उन्हीं की स्मृति दिवस में लगभग 165 साल हो चुके हैं उनकी शहीदी दिवस के, पूरे प्रदेश में ये बनाया गया है। उसी विषय पर हमने भी एक यहाँ छोटा सा प्रोग्राम रखा है संदानी, सभी भाइयों ने आके उनको याद किया है।